नहीं है, जा यहां से। ठाकुर साहब, ये घमंड और अकड़ गांव वालों तक तो ठीक है, भगवान के आगे अकड़ और घमंड नहीं दिखाना चाहिए। तेरा कहने का मतलब क्या है? देखो जी, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, जो भी करते हैं भगवान ही करते हैं। बंद करिए प्रवचन, यहाँ वही होगा जो ठाकुर प्रताप सिंह चाहेगा। बंटी। जी पापा। बेटा मैं 2 दिन के लिए रायपुर जा रहा हूँ। जी। घर और खेतों का ध्यान रखना। ठीक है यार कुमार। मम्मी, जब आपको पता है तो आप अपना और पापा जी का मूड क्यों खराब करते हो? बेटा डरती हूँ कहीं तेरे पापा की अकड़ घर का नाश ना कर दे। ओह मम्मी, आप ये बात को कहां से कहां ले जाती हो? चलो मुझे कुछ खाने दो, फिर मैं खेत पे जाता हूँ। चल बेटे। आलू ले लो, मटर ले लो, टमाटर ले लो, बैंगन ले लो, अदरक ले लो। अरे लाला मनोज, तू जा चला के, वो जा चला जा और वो सब्जी ले जाके जा, तो मैं यहाँ हूँ। ठीक है पिताजी। टमाटर क्या भाव दे रहे हैं? टमाटर, टमाटर 30 रुपए किलो है। कर दो एक पाव। के भाव है अभी तो बताई, 30 रुपए किलो है। चाचा एक पाव दे, एक पाव। अरे तो रुको, क्यों बचा रहा, मैं कह रहा हूँ ले जा टमाटर। ला पैसे दे जा। आज ही खराब होना था, मैं कॉलेज कैसे जाऊं? कोई दिख भी तो नहीं रहा। रुको 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 रुको। हाँ बोलिए। वो क्या है ना, मेरी स्कूटी खराब हो गई है और मुझे कॉलेज जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, तो क्या आप मुझे कॉलेज तक छोड़ देंगे? वो तो बात सही है, पर बैठोगे कहाँ? कोई बात नहीं, मेरे को लेट हो रहा है, मैं आगे बैठ जाऊंगी। चलो जब आपको ही कोई इतराज नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है, बैठो। रोको 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 रोको। अरे क्या हुआ? मैं कहती साइकिल रोको। किधर कहाँ लेके जा रहे हो आप? अरे मैडम जी, आप चिंता मत करो, ये मेरा इस रास्ते पर रोज आने जाने का है और यहीं आपका इस रास्ते पे कॉलेज पड़ा है, शॉर्टकट रास्ता है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो। यार बहुत दिनों बाद मिली, आज मज़ा आ गया। अरे क्या खाक मज़ा आ गया? क्यों, क्या हुआ? इतने बुरे दिन आ गए, हमारे सुक्की पीनी पड़ रही है, मीट नहीं, मछली नहीं। ये कह रहा है यार तू, अगर शराब की गैल शराब मिल जाओ, शराब मिल जाओ तो मज़ा ही आ जाए। अरे यार चल जल्दी ख़त्म कर, घर को चल जाए। अरे यार बॉस भी तो आने वाले थे, मैं तो अभी तक नहीं आया। अरे यार वो बॉस है, कोई गुलाम थोड़ी है, जब उसका दिल करेगा तब आएगा।
अरे सगा देखो बॉस आ लिए। हेलो भाई साहब, आपका काम हो जाएगा। आपने सुपारी पीटर मु दी है, दिक्कत मत मानियो किसी बात की भी, सही समय पर हो जाएगा। राका साका, एक आज सुपारी आई है, यू काम तुम दोनों को सोच समझ के करना है। यस बॉस। वैसे बॉस काम क्या करना है? तुम दोनों को बड़ी सावधानी से खजान की भैंस खोलनी है। बॉस इतने बुरे दिन आ गए अब हमारे। चुप चलो। वैसे बॉस बहुत दिनों से परी के दर्शन नहीं हुए। हाँ बॉस आज तो करा ही दो। चलो आज तुम्हें परी के भी दर्शन कराते हैं। रुक जाओ, परी नहीं आ रही है, चल के रुक। परी या तो सुरंग में होती है, आज जंगल में कैसे आ गई? यस बॉस। तो उल्लू भी रात में निकलते हैं, ये दिन में कहां से आ गए? यस बॉस। नो नो नो, गलती हो गई। चल नीचे उधर। अरे हाथ छोड़। अरे भैया मैं तो डर गया। अरे भैया मैं तो डर गया। चल नीचे उतर। अरे हाथ छोड़। नहीं छोड़ता। ए नीचे उतर। नीचे उतरेगा मैं उतारू तुझे। अरे हाथ छोड़ रहा हूँ ना छोड़ रहा छोरी का। तू मुझे जानता ना दिक्के? मुझे ना पता कौन है तू। इसे पता मैं कौन हूँ? अरे बॉस जानते तो ये नहीं, मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे लगा तू किसी गंदी नाली का कीड़ा है। तेरी इतनी हिम्मत आया समझ में? ये यहाँ के सबसे बड़े डॉन है और हम दोनों इनके चेले। समझ गया? समझ गया। क्या समझ गया? लातों के भूत बात तो नहीं मानते। और सारा को मार दिया। सॉरी बॉस। पकड़ तो सही। चोट तो नहीं लगी आपको कहीं? अरे नहीं सब ठीक ठाक है। चलो आप ये आ गया मेन रोड और यही पास में आपका। थैंक यू। दो बार थैंक यू। एक बार मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए और एक मेरी गुंडों से जान बचाने के लिए। अच्छा वैसे एक बात पूछूं, आपकी शादी हो गई है? नहीं। अच्छा आपको कैसी लड़की पसंद है? बिल्कुल आपके जैसे। अच्छा कल भी आप इधर से ही आएंगे? यो तो मेरा रोज खाने जाने का रास्ता है। ओके बाय। आजो कहाँ गए मनोज? रोज? हाँ रोज जाऊंगा तो। अरे मैं मनोज को पूछूं तेरे लड़के को? तड़के को ना ना तड़के को ना आता हूँ मैं तो इसी टाइम आऊँ। मुझे ऐसे लगे तेरे कान खराब दिखे हैं। के कही सामान खराब दिखे? ना ना सामान खराब ना मेरा, देखिए कितने सोने सोने बैंगन है, टमाटर कितने बढ़िया। मेरा सामान तो गुड़गांव में ना मिले। तू मुझे नु बता दे मनोज कहाँ है, मुझे उससे कुछ काम है। के नाम है? नाम तो मेरा श्याम लाल है। ते नाम के? मेरा नाम छबिल्ली है। के कही अकेली है? मैं भी अकेला ही हूँ। देखो मनोज की माँ को बोले कई साल हो लिए। आंटी राम राम। अरे लल्ला राम राम तो ठीक है, पर जब तक नू पता यू कम सुने तो यहाँ ऐसे आदमी को छोड़ कर जाया कर जो ग्राहक को समझा ले। बाप को भरा ले? अरे यू के मुझे ब्याह आएगा बस तू वहाँ कह दो, बेहतर मैं अपना कर लूंगा। पिताजी हम चुप रहा करो, आंटी कुछ और कह रही है। बहरी है
और ये अच्छी बात है, दोनों एक से हो जाएंगे। अरे लल्ला, मैं तो तेरे बाप के चक्कर में नूबी भूल गई के बात करनी थी। चल मैं फिर आऊंगी। चल लल्ला तू यहाँ बैठ और मैं चलूं। नमस्कार। नमस्कार। आओ छोटे ठाकुर, कहाँ से आ रहे हो? बाबा जी खेत में से आ रहे हो। अच्छा जी, इसका मतलब है कि हमारी गैराजरी में तुम अपनी जिम्मेदारी को खूबी निभा रहे हो। जी बाबा जी, एक समस्या है, वो फसल सारी खराब हो जाएगी, वो फसल सारी सूखी जा रही। बाबा जी खेतों को पानी की जरूरत है, अगर टाइम पर पानी नहीं मिला तो फसल सारी सूख जाएगी। तो बेटा परेशानी क्या है? मम्मी परेशानी है, हमारा उसका 10 दिन के बाद आएगा। ठाकुर प्रताप सिंह बोल रहा हूँ, मुझे नहर का पानी आज और अभी चाहिए। मगर ठाकुर साहब, बस मुझे अगर मगर सुनने की आदत नहीं है, मुझे पानी अभी चाहिए, मतलब चाहिए। इस गांव में वही होगा जो ठाकुर प्रताप सिंह चाहेगा। सोनम कहाँ है? वो कौन जी? आज बस्ता कहाँ आपका? आज तो कॉलेज की छुट्टी है ना, तो बैग का क्या काम है? तो आज कहाँ जा रहे हो आप? चलो ना कहीं बैठ के बात करते हैं। ना ना ना, टाइम ना मेरे द्वारा, मुझे बहुत काम है। तो मैं कौन सा तुम्हें 2-4 घंटे के लिए बोल रही हूँ ना, आज फिर समझ लेना कि गुंडे मिल गए थे। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? प्यार? हम गरीबों से कौन प्यार करता है, वैसे भी प्यार तो अमीरों के लिए है। गरीबों को तो कदम कदम पर अपमान सहन करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है मनोज जी, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हाँ वो तो है। अच्छा कल आपने कहा था कि आपको मेरे जैसी लड़की पसंद है। हाँ। और मैं? हाँ? ये क्या कह रही हो तुम? तुम और मुझ में तो जमीन आसमान का अंतर है, तेरा मेरा मिलाप नहीं हो सकता। सोनम जी ये क्या जीजी लगा के रखा हुआ है, तुम तो सिर्फ हाँ बोलो या ना बोलो। ना सोनम, आंख मारो, मार ले आंखें लगी रह जा, और तू भी मार, अरे मैं भी मारू। मगर बहरे बुढ़ा होने को रहा, शर्म कर ले। गरम कर ले मगा छबीली। अरे आ तेजी में है के कहीं तो कुआरी बतावे, कभी आंख मारने के वे
कभी गर्म करने को मकर इस जुबान को रोक ले ठोक लू अरे के ठोकू खुल के बता शर्माओ मत हे भगवान कर दे मेरा मूड खराब शराब शराब ना पीता हूँ मैं दूध पिया तो पिया दे मैं नु कह रही हूँ तू अपने घर को चला जा तेरे लिए यू अच्छा होगा बच्चा होगा अरे पहले ब्याह कर ले बच्चा तो बाद में होगा थम जा गन्ना तू यहाँ से ना मान ले अब ये तुम्हारे घर इस झाड़ू से मोर बनाऊंगी पागल कहीं का हाँ शर्मा जी अरे ये ठाकुर प्रताप सिंह के जवान है जो कह दिया सो कह दिया पत्थर की लकीर मिट सकती है ठाकुर प्रताप सिंह की जवान नहीं बदलती माँ जी डीएम साहब से बात करूँगा आपका काम हो जाएगा आप बेफिक्र रहिए सुनो जी मुझे 10,000 रुपये चाहिए क्या करना है इतना रुपये का सोनम के कपड़े आने और मुझे भी अपनी साड़ी लानी है अभी पिछले महीने ही तो लाई थी तुम वो तो 2 शादियों में पहन लिया हमने अब और चाहिए अरे ले लेना बैठो तो सही सोनम कहाँ हमारी बोली गई ठाकुर साहब नमस्कार ठाकुर साहब एक बात कहनी कहो ठाकुर साहब छोटा मुंह बड़ी बात बोलने में भी डर लगता है ऐसी क्या बात है जो बताने में भी डर लगता है ठाकुर साहब सोनम मैडम गलत रास्ते पर जा रही है कल मैंने सब्जी वाले के साथ में सोनम मैडम को देखा हराम खोर हमारा खाता और हमें बदनाम करता है अगर तेरी बात झूठ निकली तो तेरी बॉडी बॉडी काट के कुत्ते को खिला दूंगा चल भाग यहां से फेंक दिया तेरे लाल पैर का नतीजा बन जाए जी बाबा जी नजर रखो सोनम पर और अगर कलवा की बात सही निकली तो इसका स्कूल ट्यूशन जाना सब बंद और वो सब्जी वाला वो तो गया काम से जी पापा देखो जी खामखा तुम गुस्सा तो करो मत कम से कम बात का पता तो चल जान दो सारिका इस घर में वो होगा जो ठाकुर प्रताप सिंह चाहेगा समझे सुनो कहाँ जा रहे हो मेरी रातों की नींद और दिन का चैन चुरा के तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं हो अरे यार मैं कुछ सोच रहा हूँ चलो वाओ मनोज यहाँ कितनी हरियाली है ना आओ ना यहाँ बैठते हैं अरे यार तुम बैठो मैं आ रहा हूँ क्या बात है मनोज आज तुम उदास लग रहे हो क्या सोच रहे हो सोनम मैं अपने प्यार के बारे में सोच रहा था कि हमारा प्यार कैसे सफल होगा कहाँ तू और कहाँ मैं तुम ज्यादा मत सोचो मैं जल्दी पापा से बात करूंगी और मुझे पूरा यकीन है पापा मान जाएंगे अच्छा भगवान करे कि काश ऐसा ही हो बाबा जी ठीक कह रहा था कलवा सोनम एक लड़के के साथ घूम रही थी और गले लग रही थी
हमारे घर में गंदगी कहां से पैदा हो गई? सोनम जी पापा, कहां से आ रही है? कॉलेज से। झूठ बोल रही है तू, पढ़ाई का नाम पे ठाकुर प्रताप सिंह को धोखा दे रही तू। मान जाए जी पापा, लगा उसको कमरे बंद कर दो। नहीं पापा, चलो पापा। नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं नहीं पापा, प्लीज। मर गया पापा तेरा, बंदी से क्या करो, मेरी नरम मत कर दो। जवान लड़की के साथ ऐसा मत करो, मैं अपना आप समझा दूंगी। तू चुप रहो, तेरे नाम क्या नहीं रखा इसको? मैंने बिगाड़ा है तो मैं ही समझा दूंगी। क्या ऐसा होगा जो ठाकुर प्रताप सिंह चाहेगा? यही तो अमीरों के चोचले हैं, गरीबों के दिल से खेलते हैं, ये भी नहीं सोचते कि किसी के दिल पे क्या बीती। ले वो खाना खा। बेटा कब तक भूखी रहेगी? 8 दिन हो गए तुझे बिना कुछ खाए दिए। मम्मी मैं मर जाऊंगी पर मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाएगी तो कैसे काम चलेगा? मत खा, मर गिर। मम्मी चलो। सुनो जी, आज भी सोनम ने कुछ नहीं खाया और कह रही है मर जाऊंगी पर खाना नहीं खाऊंगी। और सुनो, आप थोड़ा समझदारी से काम लो, जवान बेटी है हमारी, जरा से मैं कुछ कर लिया ना गांव में नाक कट जाएगी हमारी। चल बेटा, तुम जीती हम हारे, जहाँ तुम खुश वही हम खुश। और बेटा एक बार हमें भी तो मिला उससे, हम भी तो देखे वो मेरा कैसा है। जी पापा, मम्मी मुझे पता था कि पापा जरूर मान जाएंगे।
चल अब कुछ खा तो ले। पापा क्या है, वो दो पैसे की सब्जी बेचने वाला हमारी बराबरी करेगा? वो हमारे घर का दामाद बनेगा? हमें ये पसंद नहीं है। पर मूर्ख है तू, तेरी अकल क्या घास चलने गई है? वो हमारे घर का दामाद नहीं, तुम लोग का मेहमान बनेगा। जाओ तेरी सुपारी के लड़कों को बताओ, इस घर में वही होगा जो ठाकुर प्रताप सिंह चाहेगा। है बदल्ला, बुखार तुझे नहीं, जुखाम तुझे नहीं, खांसी तुझे नहीं, तू ऐसा कैसा हो रहा? कह रही बोल रही है क्या बात होगी? देखा लाला, तुझे किसे कुछ कही हो तो मुझे पता। अरे मेरे कान ही खराब है, हाथ खराब ना, मैं सारे का रूला लाठी लगा दूंगा, पता क्या बात है? अरे भैया मनोज कैसा हो रहा? रो रहा है? हाँ रो रहा आलू, पता नहीं क्या होगा इसका। मुझे तो बरात से पता चला, अभी आई थी यार से। डियर से? तू डियर से मिलने गई थी? तू चुप कर रहा बेरे, है बेटा तेरे कहीं दर्द है? कहीं मर्द है? हाँ यू भी मर्द है, अरे मैं भी मर्द हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? मौका बेरे तू सुध में रह कर। नैकर चाहिए तुझे? अरे के करेगी नैकर का? अरे खगर तू चोंच को बंद कर ले। अरे बेटा जाके दवाई ले आता। लुगाई ले आता? अरे किसकी लुगाई ले आता, इसका बिहाना हुआ अभी और मेरी उम्र 1 साल हो लिए। एक काम कर, तू ही रह जा 2-4 दिन हमारे घर। पिताजी पहले बात को तुम ध्यान से सुना करो, या कुछ और कह रही, हम कुछ और समझ रहे हो? झगड़ रहे हो? ना लाला ना, देखो मैं झगड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ। जवाब तो तू बाद में दे लिए, पहले अपने कान खुलवा ले। दुकान खुलवा ले? हाँ छबिल्ली मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मगर लाला दुकान खोल ले जाकर, सब्जी सारी सड़की होगी। अरे क्यों आई थी, क्या कहेगी? दीदी सुनो। हाँ लाली, आप ये मनोज का घर जानते हैं कहाँ पे पड़ेगा? यू हाँ, इस गली में आखिर में जाके उसी का ही घर है। ठीक है दीदी, थैंक यू। मनोज देखो तुम्हारी सोनम आई है। अब क्या लेना है? इस गरीब को बर्बाद करके के मिल गया तुझे? मनोज मेरी मजबूरी थी, मैं इसलिए नहीं आ पाई थी। तुम अमीरों की बहुत मजबूरियां होती हैं। खराब स्कूटी दिखा कर तो दिल लगा लिया, अब दिल तोड़ने की मजबूरी भी तो बता दो। मनोज तुम मेरे प्यार को गलत समझ रहे हो। प्यार? प्यार तो तुझे था ही नहीं, तो बस मेरे दिल से खेल रही थी। मेरा यकीन करो बाबू, पापा को हमारे प्यार का पता चला ना, तो पापा ने और भैया ने मिलके मुझे कमरे में बंद कर दिया था और मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी। आप कौन सा नया खेल खेल रही? तुम तेरी कसम मनोज, अगर मैं झूठ बोलू ना तो मैं अभी मर जाऊं। तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे सच में पापा ने और भैया ने कमरे में बंद कर दिया था। पर मनोज अब पापा मान गए हैं, पापा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। सच? कब बुलाया? कल तो पापा को कहीं जाना है, परसों बुलाया है। ठीक है भूल मत जाना। ठीक है ठाकुर साहब। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बंटे जी बाबा ऑर्डर दिखाओ। ठाकुर साहब ये है वो कबूतर, तुम जानते हो उसको? ठाकुर साहब जानता तो नहीं हूँ, पर इससे एक पुराना हिसाब जुखाना। अच्छी बात है, ये तो एडवांस
बाकी काम होने के बाद। ठाकुर साहब ये समझो तुम्हारा काम हो गया। नमस्कार। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए उसके डैडी ने चाय पे बुलाया है। अरे बाबा कैसा सजा रहा है आज, कहाँ जाएगा? अरे मुझे कहीं जाना पिताजी, तुम दुकान देख लियो। है सामान देख लियो। अरे किसका सामान दिखावा है मुझे? अरे बेटा मनोज तबीयत कैसी है? आंटी ठीक हूँ, तुम कैसे आए यहाँ? शहर को जा रहा तो मुझे भी ले चल, आज बहुत मन कर रहा शहर जाने का। शहर खाने को मन कर रहा है तो अपने घर जाके खा ले, या हमारे जुम्मे पड़ेगी? अरे पिताजी तुम चुप हो जा करो। आंटी मैं शहर नहीं जा रहा, मैं कहीं और जा रहा हूँ। चल ठीक है जा, पर सुन सांझ को आके हमारा नाड़ा खुलवा दिए। नाड़ा खुलवा दीजिए छबिल्ली, तो शर्म नहीं आती तो बाल को ऐसी बात करे? नाड़ा फिर हम खुलवा देंगे। इस सूदड़ी को संभाल कर बोलिए, वरना तेरा सिर फोड़ दूंगी बेड़ा पट्टा। चल पने को खामा खा उज्जत कर रहा है। मोहब्बत कर रहा है? हाँ छबिल्ली देखे मैं तेरे बहुत मोहब्बत करूँ, और तू तो, तुझे घास भी ना घेरती। हे भगवान तन नहीं के बनाया, बोल लू को सुने कुछ। छबिल्ली कब तक रहेगी अकेली? भाई मुझे ठाकुर के घर जाना है। ठाकुर के घर? जी इधर को जाके इधर मुड़ जाइए जी, बस सामने ठाकुर का घर है। धन्यवाद भाई। राम राम आओ बैठ। अरे तुम वहां नहीं बेटा, यहाँ बैठ। सोनम बेटा आई। पापा देखो कौन आया है। हाँ तो बेटा कहाँ तक पढ़े हो? जी आठवीं तक। कितना कमा लेते? बस जी इतना कमा लेते हैं, दो टाइम की रोटी और गुजारा हो जा, और किसी काम का फैसला नहीं की जरूरत पड़ती। खुश रख सकोगे हमारी बेटी? ठाकुर साहब मुझे सोनम को खुश रखने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? ठाकुर साहब सोनम मेरे साथ रहकर खुद भी खुश रहेगी और मुझे भी खुश रखेगी। क्यों सोनम? अच्छा तो बच्चों तुम दोनों जहाँ खुश हम भी खुश, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी। पूनम बेटा तुम बेटा। माफ करना ठाकुर साहब, गरीब हूँ बिकाऊ नहीं। बेटा तुम गलत समझ रहे हो, ये तुम्हें खरीदने के लिए नहीं है। बेटा ये पैसे तो इसलिए हैं ताकि तुम अपनी दुकान को बड़ी कर सको। दुकान बड़ी हो जाएगी तो कमाई भी ज्यादा होगी। ठाकुर साहब कमाई भले ज्यादा हो, इंसान सिर्फ रोटी खाता है, हीरे मोती नहीं। और हवेली में चाहे 15-20 कमरे हो, इंसान एक ही कमरे में और एक ही बिस्तर में सोता है। ठीक कह रहे हो बेटा, मुझे तुम्हारे विचार बहुत अच्छे लगे। ठीक है ठाकुर साहब, राम राम। ठीक है। ठाकुर साहब लड़का तो मुझे समझदार लग रहा है।
अरे है क्या छबीली घर में? हे भगवान, यू तो फेरा लिया खून पीने में, अब मैं क्या करूं? छबीली, ओ छबीली, अरे कहाँ चली गई? अरे किवाड़ी भूले पड़े हैं, कहाँ चली गई जो? ओहो, दुकान पर गई होगी कुछ लेने के लिए। मैं करीता आवेगी जब तक आराम कर रहे हो। जब आई आती रहेगी। हे प्रभु, जय हो, जय श्री राम। अरे कहाँ रहेगी आई ना जो? योद्धा मुक्का दिखे है, इधर रोटी को बुझू जाके। पहले खाना खाएगा? गाना गाएगा? हाँ गा लूंगा, बता कौन सा सुनेंगे? फूल के खाएगा, फूल के। रेशमी जुल्फे? हाँ लाल सुनाया तो मैंने, मुझे मेरे याद भी है। सुन, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं हम। देख देख कैसे मटक रहा बहरा, वैसे मरने को तैयार है। बेकार है, तो दूसरा सुन ले। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। रुक जा रे मम्मी, मैं फोड़ूंगी तेरे दिल को। भाई यूं ना हो पटाए में। बॉस क्या रे? बोल। क्यों से बोल रहा था? क्या बोल रहा था? कुछ नहीं। साले मेरे वैसे ही दिमाग खराब है, तुम्हें दोनों को मार के बगैर सुपारी के वहां फेंक दो। यस बॉस। रवि तो आया नहीं पर हमारा शिकार आ गया, चलो। अगर मैं तुझे चाहूँ ना तेरी जिंदगी का डीएनडी नहीं करती, पर नहीं मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा पर तड़पा के मरूंगा। एक बात पूछूं? कुछ कुछ जल्दी कुछ, मरने वाले की तो सरकार भी अंतिम इच्छा पूरी करती है। क्यों भाई चलो। उसी दिन का बदला ले रहा या कोई और दुश्मनी है? ना ना, उसी दिन का तो बदला लेना है तेरे से। मारो चलो भाई, मारो ना बॉस। क्यों नहीं मार रहे? ये तो बहुत जोर की मारा बॉस। साले पहले तुम दोनों को ही मार दूंगा। नो नो बॉस, नो नो बॉस, मार रे, मारो। जान से गोली मार दूंगा। हाथ पैर मत हिलाना वरना गोली चल जाएगी। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। पीटर खत्म कर दे कुत्ते को। काका, यहाँ से भागने में भलाइए, चाय वाय पिला दो, साढ़े तीन हो गया तुम्हें।
बाय। बड़ी देर लगा के जा रहा है। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को, कैसे लग गई ये चोट? बंटी क्या हो गया? बंटी कैसे चोट लगी? क्या होगा, क्या होगा मुझे पता? क्या हुआ? किसने करा ये? क्या हुआ? ये पीटर का बच्चा तो बिल्कुल निकम्मा निकला, और उस दो कौड़ी का लौंडा की इतनी हिम्मत ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे पे हाथ उठाए, उसको तो मैं दुनिया से उठा दूंगा। यहाँ पे वही होगा जो ठाकुर प्रताप सिंह चाहेगा। मनोज ये सब क्या हुआ, कैसे लगी चोट तुम्हें? अरे सोनम क्यों मेरा पागल बना रही हो, तुझे नहीं पता ये सब तेरे बाप का किया धरा है। क्यों खेल रहे मेरी जिंदगी से? कभी तो मेरे से प्यार करे और कभी मुझे जख्म देवे। मनोज इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। क्या? यही कि उस दिन पापा जल्दी कैसे मान गए। मनोज हमें कसम है हमारे प्यार की, जिस घर में हमारे प्यार की कदर नहीं हो रही ना, उस घर में मैं भी कभी कदम नहीं रखूंगी। पागल ना मना, अभी तो तेरा बाप और भैया मेरी जान के पीछे पड़ रहे हैं, अरे कभी तेरे जान के पीछे पड़ जाऊंगा। मनोज अगर मेरी जिंदगी में तुम्हारा प्यार नहीं तो मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं बनता। मतलब क्या है तेरा? मनोज हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू। तुम ठीक कहते थे मनोज, ये दुनिया वाले हमारे प्यार के दुश्मन हैं और ये हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम चलो हम कहीं भाग चलते हैं। कहाँ भाग कर जाएंगे हम? कहीं भी बहुत दूर, जहाँ पे हमारे ऊपर किसी का साया ना पड़े और खासकर ठाकुर प्रताप सिंह का। चलो चलते हैं। ओ मनोज अरे कहाँ चला गया यो, दरवाजे में खुला खड़ा था, घर में कुत्ते बढ़ जा। मनोज कहाँ चला हमें लौंडा? तो क्या बात है, तेरे बाप ने तुझे अकल सिखाई है, तमीज सिखाई है कुछ? चल हट। तमीज तो तुझे और तेरे लौंडे को हम सिखाएंगे। ए बम चलाएंगे? अरे ऐसे बम ना चलते, मैं गोली चले। अरे बंदी मार। ठाकुर के पिल्ले इस सब्जी बेचने वाले का हाथ है, अगर एक पड़ गया ना तो तू पड़ ही जाएगा। तुम्हारे लौंडे की हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी से प्यार करने की? अरे कम से कम अपनी इज्जत तो देखी होती। तुम कहाँ और हम कहाँ? ठाकुर प्यार में जात पात वो चीजें देखी जाती है ना, देखी जाती है हैसियत। अरे ये तो ऊपर वाले का तोहफा है, पता नहीं किसको देते। और ये बात तेरी ऊंचाई की, ऊंचाई बैठे कहो कबूतर निमन जाता। राम जादे रुको, इसको बाद में देखें, पहले इसके लौंडे को ढूंढो। का बस जितना भागना था भाग चुके तुम,
ठाकुर प्रताप सिंह मौत से तेज कोई नहीं भाग सकता। ठाकुर मनोज ये क्या हो गया? मनोज उठो ना, उठो मनोज तुम्हें मेरे प्यार की कसम है, मनोज प्लीज उठो, मनोज उठो ना, प्लीज उठो प्रताप सिंह, थूकती हूँ ऐसे ठाकुर पर। अरे ठाकुर हो ना, ठाकुर तो सामने से वार करते हैं, और तूने तो पीठ पीछे से मेरे प्यार पे वार करा है। तूने तो आज ठाकुर होकर शर्म से झुका दिया सर। सोनम खबरदार, अगर मेरा नाम लिया अपनी गंदी जुबान से, मुझे तो ये सोच कर भी दुख हो रहा है कि तेरे जैसा बाप है मेरा। सोनम मर गई, सोनम और मर गया प्रताप सिंह जो कभी मेरा बाप हुआ करता था। लड़के बहुत बोल रही है तू, अभी तो तुझे और भी सुनना पड़ेगा प्रताप सिंह। बस अगर अब तेरे मुंह से एक शब्द निकला तो वो तेरा आखिरी शब्द होगा। प्रताप सिंह तू इंसान नहीं है, तू जानवर है, जानवर। गुस्ताख लड़के। यहाँ सिर्फ वही होगा जो ठाकुर प्रताप सिंह चाहेगा। चल बंटी। मनोज मनोज सोनम 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 मैंने कहा था ना ये दुनिया वाले हमारा प्यार पूरा नहीं होने देंगे, इसे ही कहते हैं अधूरी मोहब्बत। मनोज मुझे मुझे अपनी बाहों में ले लो मनोज। सोनम सोनम नहीं।